बच्चों अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज हम आपकी पहले चैप्टर के लास्ट टॉपिक फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है बेटे, उसमें जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हम ये कहेंगे कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, इट इज़ अ वे ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डेटा, द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड विद इन द सिस्टम एंड द सीक्वेंस इन विच दे आर परफॉर्म। यानी एल्गोरिदम के बाद हमारा जो अगला काम है वो है फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तस्वीरी शक्ल में होता है। किसकी तस्वीरी शक्ल हम देते हैं? एल्गोरिदम की, ठीक है। एल्गोरिदम की ये तस्वीरी शक्ल होती है और ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम डेटा का फ्लो दिखाते हैं। डेटा किस सीमत में आ जा रहा है, कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं वो सिस्टम के अंदर परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है, और उनकी तरतीब क्या होगी, किस तरतीब से वे परफॉर्म किए जाएंगे, ये हम फ्लो चार्ट के अंदर बताते हैं। फिर सुन लें, फ्लो चार्ट के अंदर हम ये दिखाते हैं कि एल्गोरिदम जो है उसको विजुअली पिक्चर की फॉर्म के अंदर एल्गोरिदम को डिस्प्ले करते हैं बेटे। तो वो पिक्चर की शक्ल में जो डिस्प्ले करते, होता क्या क्या उसमें, उसमें एक तो होता है कि डेटा का फ्लो क्या होगा, डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, किस जगह पे कौन सा ऑपरेशन होगा, वो भी हम उसमें रखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन उस सिस्टम में परफॉर्म किए जाने। और तीसरा जो काम उसमें होता है बेटे फ्लो चार्ट के अंदर एल्गोरिदम के मुताबिक, एल्गोरिदम के लिए या के बाद में, और वो ये होता है कि उनकी तरतीब क्या हो, ये तो होता है। अब ये है कि ये हमने देखना है कि फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए, चूंकि इसने हमें बताया विजुअली प्रेजेंटिंग द फ्लो ऑफ डेटा, हम डेटा को विजुअली कोई एक स्पेसिफिक स्केच की सूरत में या पिक्चर की शक्ल में दिखाते हैं, यहाँ पे भी हमें ये कह रहा है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर की फॉर्म में हम दिखाएंगे। और वो पिक्चर किस तरह की होगी बेटे, इसको हरगिज़ हरगिज़ ये ना समझेंगे जैसे हमारे पास आप अपनी पिक्चर खींच लेते हैं या घर वालों की पिक्चर, या कहीं हम चले जाएं तो वहाँ पे जो कैप्चरिंग करते वो नहीं। यहाँ पे हम कोडिंग के मुताबिक, पिक्चर का मतलब बेटे ये है कि इसके कुछ मुख्तलिफ जो हैं वो शेप्स होंगी, उन शेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम काम करेंगे, ठीक है। अब उसमें पहले नंबर पे जो इसके सिंबल्स हैं इनको हम देख लेते हैं। इन शेप्स को क्या कहते हैं बेटे, ये जो फ्लो चार्ट की शेप्स होती हैं इनको सिंबल्स कहा जाता है। तो उसमें एक होता है, ये वैसे तो दो चार और भी हैं लेकिन ये जो मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मैंने रखे। पहला इसको कहते हैं बेटे ओवल, सॉरी इसको कहते हैं, आप इसको टर्मिनेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, या टर्मिनेटर भी कह सकते हैं हम इसे, या हम इसको यूं कह लें आप इसको वो ओवल कह सकते हैं, लेकिन ये इस बेजवी सा है, इस तरह से नहीं है, रेक्टेंगल ये वर्टिकल फॉर्म में नहीं, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। तो ये इसको टर्मिनेटर भी कह लें, और हम इसको ज़्यादा बेहतर इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कर लेते हैं, और वो है टर्मिनल, हम इसको टर्मिनल कह लेते हैं, ठीक है। ये मोस्ट सूटेड वर्ड जो इसके लिए हमेशा इस्तेमाल होता है, इसको टर्मिनल कहते हैं बेटे। तो ये टर्मिनल कहाँ पे इस्तेमाल होगा जी, यहाँ पे स्टार्ट पे और एंड पे। जब भी आपने फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट शुरू यहाँ से होगा, टर्मिनल से, और एंड भी यहीं पर होगा, पहला काम होगा। दूसरी शेप बेटे होती है हमारे पास प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टेंगल, क्या कहते हैं बेटे इसको, रेक्टेंगल कहते हैं। अब ये रेक्टेंगल किसके लिए है, आगे लिखा हुआ प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग कह लें, मतलब आप कैलकुलेशन कह लें, ऐसे कह लेंगे, जहां पर भी कैलकुलेशन की जरूरत हो वहां पर हम क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल को इस्तेमाल करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि दो वेरिएबल्स को हमने सम किया और वो किया ए प्लस बी को सम किया। जब ए प्लस बी को बेटे आपने सम किया था वो क्या थी, प्रोसेसिंग थी। तो वो अगर फ्लो चार्ट में लिखी जाएगी वो इसमें लिखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली शेप जो है इसको कहते हैं बेटे पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और ये
किन कामों के लिए? ये इनपुट आउटपुट के काम के लिए। इनपुट आउटपुट दो आपसे, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल की पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें हमें कहा गया एक एल्गोरिथम लिखें जो पहले 50 नेचुरल नंबर का सम करें, ठीक है। अब ये हमने एक डेटा उसको फीड करना है, वो क्या? पहले 50 नेचुरल नंबर, ये क्या होगा बेटे? इनपुट, ठीक है। और उसके अगेंस्ट उसने काम करना है, प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या करेगा? हमें रिजल्ट देगा, सम करके दे देगा उसका, वो क्या होगा? वो आउटपुट होगी, ठीक है। तो ये जो इनपुट और आउटपुट जहाँ पर भी आपने फ्लो चार्ट के अंदर शो करनी होगी बेटे, वो कैसे शो करेंगे? वो आप करेंगे पैरेललोग्राम के अंदर। इसके बाद आ गया अगला, डायमंड शेप इसे कहा जाता है, इसको आप डायमंड शेप भी कह लेते हैं। और इसके लिए ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन मेकिंग जहां पर मिसाल के तौर पर आपने ये चेक करना है कि क्या दो नंबर दिए गए हैं उनमें से एक बड़ा है या दूसरा बड़ा है, ये पता करना है, या एक छोटा है या दूसरा छोटा, इस तरह से पता करना। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम वहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम डिसीजन इस्तेमाल करेंगे। ये डिसीजन डायमंड शेप जो है इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कोई जजमेंट लेने के लिए, किसी कंडीशन को चेक करने के लिए कि क्या ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर क्या करना है, नहीं हो रहा तो क्या करना है, इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये छोटा सा एक ओवल है बेटे, इसको कनेक्टर के लिए इस्तेमाल करें। कनेक्टर क्या? आपने फ्लो चार्ट इतना लिखना शुरू कर दिया और फ़र्ज़ करें फ्लो चार्ट इतना बड़ा हो गया कि वो एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, पेज के बॉटम पे जाएं और वहाँ पर ये कनेक्टर बना दें। और कनेक्टर में आप क्या मेंशन करेंगे? ये मेंशन करेंगे अगले किस पेज पे है, पेज नंबर दे देंगे, पेज नंबर 2 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे चले जाएंगे, 1 पे पहले जो बनाया 2 पे जाएंगे, फिर आगे या उसके बाद अगला फ्लो चार्ट बाकी हिस्सा आप वहाँ पर करेंगे। कनेक्टर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेटे रिमार्क्स देने के लिए। रिमार्क्स क्या होता है? प्रोग्रामर के अपने कमेंट्स, किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना, किसी काम को बताना, रिमार्क्स स्पेयरिंगली आप यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और करने चाहिए। रिमार्क्स प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने चाहिए ताकि कोई भी अदर देन यू, कोई भी दूसरा प्रोग्रामर आपके इस प्रोग्राम को देखे तो उसको कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना मिले, कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आपने क्या किया। उसके लिए पहेली ना बन जाए, आपने जो किया हुआ है सारा का सारा उसे समझ आना चाहिए। और जहाँ पर भी आपने ये बताना होगा फ्लो चार्ट के अंदर के ये यूज़र के रिमार्क्स हैं या प्रोग्रामर के रिमार्क्स हैं, तो उसके लिए बेटे ये शेप इस्तेमाल होगी, ओपन एंडेड ब्रैकेट, ठीक है। और इसके पीछे डॉटेड लाइन होगी और रिमार्क्स इस ब्रैकेट के अंदर सारे लिखे जाएंगे, ठीक। अब इसमें ये, और इसका सबसे अहम पार्ट जो होता है फ्लो चार्ट का, वो होती हैं ये फ्लो लाइंस। ये फ्लो लाइंस बेटे चारों डायरेक्शन में मैंने बनाई हुई हैं। ये इसी तरह से इस्तेमाल होती हैं बवक्ते ज़रूरत, ये नहीं कि सारी, अब जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम ये इस्तेमाल होती हैं। एक्चुअली डेटा का सीक्वेंस शो करने के लिए, पहले क्या काम होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, उसको शो करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? फ्लो लाइंस इस्तेमाल होती हैं। फ्लो लाइंस ये जो हमने पढ़ा ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, कि ये सीक्वेंस किस तरतीब से होंगे, ऑपरेशन कैसे कैसे परफॉर्म होंगे, ये फ्लो लाइंस ने बताना कि पहले क्या काम होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये फ्लो लाइंस बताएंगे। अब इसकी कुछ गाइडलाइंस के हवाले से अगर आपको बता दूं तो ये होता है कि ये जो फ्लो चार्ट है इसको जब हम बनाते हैं, फ्लो चार्ट को जब हम बनाते हैं तो ये जो टर्मिनल होगा ना बेटे, जब ये स्टार्ट लेगा तो इससे एक फ्लो लाइन निकलेगी, टर्मिनल से स्टार्ट पे एक फ्लो लाइन निकलेगी डाउनवर्ड, जो इसको शो करेगी कि अगला टू डू स्टेप, स्टेप फॉर्म लाइक टू डू लिस्ट, स्टेप फॉर्म, अगला काम क्या होना है, एरो, अगला ऑपरेशन जो आपने परफॉर्म करना। और जब इसको क्लोज करेंगे बेटे तो यहाँ पे ये फ्लो लाइन क्लोज होगी, यानी ये हमारा स्टार्ट आ गया और ये आ गया हमारा क्या आ गया, स्टॉप आ गया, यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम, सॉरी फ्लो चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद रेक्टेंगल जो है,
इसको हमेशा एक लाइन ही इसमें इन होगी, एक ही आउट होगी। ऐसे नहीं होगा कि इसमें एक लाइन इन हो और दो आउट हो जाए। यानी अगला सीक्वेंस अगर किसी का बताया जाना है तो वह यूँ होगा, और इससे जो निकलेगी लाइन वो भी ये बताएगी कि ये काम करना है। अब फ्लो चार्ट आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बना सकते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटे पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही है कि पैरेललोग्राम जो है उसके अंदर भी एक लाइन इन होगी और एक लाइन ही आउट होगी, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं बेटे डिसीजन बॉक्स के ऊपर। ये जो डिसीजन बॉक्स है ये यूं कह लें ये वाहद शेप है इसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर, जिसमें एक लाइन इन होगी और ये दो लाइनें देगी आगे। यानी आप यूं कह लें ये मेरा डिसीजन बॉक्स है, तो यहाँ से एक लाइन इन हुई और यहाँ पे इसकी दो लाइनें निकलेंगी, एक आप यहाँ से निकाल दें और एक चाहे तो यहाँ से निकाल दें, चाहे तो यहाँ से निकाल दें, जैसे आपकी मर्जी, आमतौर पर ऐसे होती है। अच्छा, ये दो क्यों निकलती हैं, है ही डिसीजन बॉक्स ना बेटे। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, क्या एक नंबर दूसरे से छोटा है तो इसके जवाब क्या होंगे। मसलन मैं कह दूं अली की उम्र 10 साल है और रजा की उम्र 6 साल है, तो अली रजा से छोटा है कि बड़ा, तो एक ही होगा ना, छोटा है या बड़ा है, छोटा है या नहीं है, एक होगा, येस या नो। लेकिन मुझे दोनों में कंप्यूटर को तो बताना होगा ना कि छोटा है तो क्या करे और बड़ा है तो क्या करे, ठीक है ना। तो ये इस सूरत में हम रख लेते हैं, एक का आंसर रख लेते हैं कि अगर यस होगा तो वो ये वाली लाइन यस को रिप्रेजेंट करेगी और अगला ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे अगर ये हो जाता है, और ये वाली लाइन हम रख लेते हैं नो के लिए कि अगर फ़र्ज़ करें ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें, फिर जो अगला ऑपरेशन आपने परफॉर्म करवाना है वो यहाँ पर करवाएंगे। मिसाल के तौर पर ए लेस देन बी, और यहाँ पर मैं ऊपर कह चुका हूँ कि ए 20 और बी 10। अब इसका आंसर क्या आएगा बेटे, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है, गौर करें ए की वैल्यू 20 है और बी की 10 है, तो ऐसा नहीं होगा, ये क्या आएगा, आंसर नो आएगा। तो ये वाला ऑपरेशन जो आगे हम बताएंगे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ये इग्नोर हो जाएगा। तो डिसीजन बॉक्स इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। डिसीजन बॉक्स वाहद सिंबल है जिसमें एक इनपुट आएगी, दो आउटपुट आएगी, बाकी आप देख लें इसमें तो आ ही नहीं ना रही, इसमें तो एग्जिट हो रही है, सॉरी इससे एंट्रेंस हो रही और इससे एग्जिट हो रही। ये आपका जो प्रोसेसिंग है उसमें भी ऐसे ही होगा कि प्रोसेसिंग के अंदर एक लाइन इनपुट अगली एक आउटपुट के लिए निकल रही। पैरेललोग्राम जो आपकी है जो इनपुट आउटपुट की है उसमें भी ऐसे ही एक इनपुट एक आउटपुट, और इसी तरह से जो कनेक्टर होगा उसमें आप एरो आएगा ज़रूर लेकिन आगे जाएगा नहीं, ठीक है। या सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि पेज के एंड पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे आपने कनेक्टर बना दिया, ये लाइन आ गई पेज टू, या टू लिख देते हैं या फ़र्ज करें ज़्यादा आसानी के लिए पेज टू, ठीक है। और पेज टू पे जाते हैं तो फिर आ गया पेज टू और एरो, तो जी अगला काम शुरू हो गया, ऐसे हो जाता है। ये कनेक्टर ऐसे इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। फिर बेटे इसमें रिमार्क्स है, रिमार्क्स, ये रिमार्क्स जो हैं ये मतलब यूज़र ने या प्रोग्रामर ने अपने कमेंट्स देने होते हैं, और ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि इसको अच्छा वसी मानों में काफ़ी सारा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अदर देन यू कोई भी प्रोग्रामर इसको देखे आपके प्रोग्राम को, उसको समझ आ जाए यहाँ पे आपने क्या करना था, क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया, ये सारा उसको समझ आ जाएगा जब आपने रिमार्क्स दिए होंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेशन करवानी है कि सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ये मैंने किया, सॉरी यहाँ सम इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ये प्रोसेसिंग है ना, वो तो इनपुट आउटपुट है, ये मैंने किया। तो इसके साथ अगर मुझे ज़रूरत है या इसके देनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यहाँ पर इसके कमेंट्स पास कर दूंगा, पास द वैल्यू ऑफ ए एंड बी टू वेरिएबल सम आफ्टर एडिंग दैट। सिर्फ आपकी एग्जांपल के लिए रख,
तो ये कमेंट्स आ गए, ठीक है ना, ये मेरे कमेंट्स आ गए, इनको मैं रिमार्क्स भी कह सकता हूँ। तो कमेंट्स जो होते हैं, याद रखिएगा, कमेंट्स काफ़ी सारे इस्तेमाल करने चाहिए। कमेंट्स आपके प्रोग्राम के साइज़ के ऊपर फ़र्क नहीं डालते। कमेंट्स से ये नहीं होता कि प्रोग्राम का साइज़ बड़ा हो जाए, नहीं, वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, जिसको हम कंपाइलर, 9th में आपने पढ़ा था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर और असम्बलर, ये आपको याद होगा, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो ये उसकी बात है, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो ये ट्रांसलेट करता है। जब वो ट्रांसलेट करता है तो जैसे ही इसको ये कमेंट्स मिलते हैं तो वो इनको क्या करता है, वो इनको इग्नोर कर देता है, वो ये समझता है कि ये प्रोग्रामर के अपने अल्फाज है, इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं, छोड़ के आगे चला जाता। तो इस तरह से एक्चुअल प्रोग्राम का साइज आपका वैसे का वैसे ही रहता है। तो इसमें बेटे लास्ट में रह गया कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो भी हम अभी लिख लेते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, तो हमारा ये चैप्टर जो है आज क्लोज हो जाए। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लें बेटे। एडवांटेजेस लॉजिक ऑफ प्रोग्राम कैन बी डिस्क्राइब्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ फ्लोचार्ट की मदद से आप अपने प्रोग्राम की लॉजिक को आसानी से बयान कर सकते हैं बेटे, आसानी से समझी जा सकती हैं कि अगर हमारा ये प्रोग्राम होगा तो मतलब ये फ्लोचार्ट होगा तो इसमें ये क्या क्या इसमें फ़ायदे होंगे, इसके क्या क्या नुकसान होंगे, लॉजिक प्रोग्राम बनाया क्यों जा रहा है, किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। बुक में वैसे इसके लिए उसने जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो इफेक्टिवली किए, तो ऐसे भी हो सकता है, इफेक्टिवली भी ठीक है, इजीली भी आप कह सकते हैं कि लॉजिक जो है वो आसानी से बयान की जा सकती है, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम जो है, जो आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्रोग्राम जो है वो दो फेजेस में बनता है, एक बार लिखा जाता है और एक बार कंप्यूटर पे बनाया जाता है। तो लिखने को कहते हैं डिज़ाइन करना, ठीक है, डिज़ाइन द प्रोग्राम, और उसको कहते हैं राइट द प्रोग्राम दूसरे को। अब ये जो है फ्लो चार्ट आपका, ये डिज़ाइन का हिस्सा होता है। फ्लो चार्ट इज ए पार्ट ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ये डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। देयरफॉर मेंटेनेंस जो है, कह रहा है मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेशनल प्रोग्राम्स बिकम्स इज, के ऑपरेशनल प्रोग्राम जो है या ऑपरेशनल फीचर जो हैं उसके हिस्से हैं, उनकी अगर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो आपका फ्लो चार्ट आपके पास मौजूद है, आपको पता चल जाएगा फलां स्टेप पे वहाँ पे ये मिस्टेक है, आप डायरेक्ट उस स्टेप को कोडिंग में जाके ठीक कर लेंगे और यूं ये काम आपका ज़्यादा आसानी से हो जाता है अगर फ्लो चार्ट हो तो, और अगर फ्लो चार्ट नहीं है तो ये काम डेफिनेटली जो है मुश्किल हो जाता है। तीसरा बेटे ये है कि फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड फॉर प्रोग्राम
अब ये गाइड से मुराद क्या है यहाँ पे? गाइड से मुराद बेटे ये है कि गाइड जिसे आप कहते हैं हेल्पिंग बुक, ठीक है ना। तो ये फ्लो चार्ट जो है ये काइंड ऑफ हेल्प है जब आपने कोडिंग करनी है, जब आपने प्रोग्राम करनी है। फ्लो चार्ट आपके सामने होगा तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, यहाँ पे उनकी कैलकुलेशन करवानी है, यहाँ पे उससे कोई काम करवाना है, यहाँ पे मैंने कोई इफ कंडीशन लगानी है, कोई लूप चलाना है या कुछ और करना है, कोई यूं कह लें डिसीजन करवाना है। तो ये फ्लो चार्ट की मदद से ये काम हम आसानी से कर लेते हैं निस्बतन किसके, निस्बतन ओरल करने के। और फ्लो चार्ट वैसे भी कंपलसरी है, इसलिए अगर फ्लो चार्ट हो तो हम ये काम आसानी से तेज़ी से परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए फ्लो चार्ट को ज़रूरी रखा गया है। और सबसे बढ़कर ये है कि फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। फ्लो चार्ट जो है डिबगिंग के अमल में मदद देता है। डिबगिंग गलतियां निकालना, फ्लो चार्ट जो है गलतियां निकालने के अमल में क्या करता है, आसानी प्रोवाइड करता है या मदद देता है। कैसे? आपको पता, मतलब आपने प्रोग्राम बनाया, उसको चलाया, उसमें कहीं गलती आ गई, अब वो जहाँ पर एरर आया तो फ्लो चार्ट की मदद से आप ये आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं ये फेज़ कौन सा है, कहाँ तक ये काम हो गया, और फिर आप आसानी से उसमें एक बार अपने इसको देखेंगे, फ्लो चार्ट को देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है, और उसके बाद आप उसको दोबारा से वहाँ पे जाके करेक्ट कर सकते हैं। जी बेटे ये तो थे इसके एडवांटेजेस, और अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस फ्लो चार्ट के कुछ ज़्यादा नहीं हैं एडवांटेजेस की निस्बत। पहला तो ये है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ये इस तरह से है ड्रॉबैक कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा पेचीदा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका फ्लो चार्ट बनाना नामुमकिन नहीं है। ये नहीं कि आप बना नहीं सकते, बना सकते हैं लेकिन वो मुश्किल होगा काम निस्बतन उसके। जैसे मैंने छोटी सी मिसाल दी, तीन वेरिएबल लेके जमा कर लें, दो को जमा कर लें, एवरेज निकाल लें, नंबर ढूंढ ले कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरह से। और उसकी निस्बत आपको कोई और, जैसे मिसाल के तौर पर कोई इक्वेशन सॉल्व करने को दे दी जाए मैथमेटिक्स की, कि इसका प्रोग्राम लिखें उस इक्वेशन को, या यूं कह लें कोई जैसे फिजिक्स जो है उसकी जो इक्वेशन कोई आपको दे दी जाए, मोशन इक्वेशन दे दी जाए कि जी इसका आप लिखें, तो उस वो इनकी निस्बत आपने एक प्रोग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें आपने क्या करना है, दो नंबरों को जमा करके एवरेज निकालनी, और आपको उसके कंपैरेटिवली मोशन इक्वेशन दे दी जाए तो डेफिनेटली मोशन इक्वेशन मुश्किल होगी। ये इसी वजह से कहा गया है कि जो पेचीदा प्रोग्राम होते हैं उनका फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता, ठीक है। और इसमें एक ये है कि इफ़ आल्ट्रेशन रिक्वायर्ड, ये खामी है इसकी जो अभी हम लिख रहे हैं, कह रहा है कि अगर अल्टरेशन चाहिए आपको, ऐसा हो जाए कि आपने फ्लो चार्ट बनाया है, अब फ्लो चार्ट में मिस्टेक आ गई कि यहाँ पे ये गलती होनी थी, या सॉरी यहाँ पे ये गलती हो गई, ये स्टेप नहीं आना था, गलती से आ गया ये काम करना, अब फ्लो चार्ट में आपने चेंज करनी है, तो वो ये नहीं हो सकता कि आप वो उतना हिस्सा काट के तो उसको ठीक कर लें, आपको सारा फ्लो चार्ट नए सिरे से बनाना होगा। ये इसका ड्रॉबैक है, इसको आप कह सकते हैं, इसको मैं ड्रॉबैक अपने तौर पर नहीं गिनता, लेकिन ये पेचीदगी है थोड़ी, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा नामुमकिनात में, ऐसा तो नहीं है।
थोड़ी सी पेचीदगी है, लेकिन वो डेफिनेटली जब आप प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाती है तो वो ये सारे काम आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आपने तब्दीली करनी है तो तब्दीली करने के लिए आपको सारा का सारा फ्लो चार्ट जो है वो नए सिरे से ही बनाना पड़ेगा, तो ये इसका जो है वो बेटे ड्रॉबैक है। तो यहाँ पर बेटे हमारा चैप्टर एंड हो गया। जैसे एक छोटी सी हम यूँ काम करते हैं कि वो हमने जो एग्ज़ाम्पल की थी कि पहले 50 नेचुरल नंबर वाली, उसका मैं अगर आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दूं तो वो काम आपको समझना, एग्ज़ाम्पल को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसी एग्ज़ाम्पल को जिसका हमने एल्गोरिदम लिखा था कि 50 नेचुरल नंबर हैं और उनका हमने क्या करना है, एल्गोरिदम बनाया है, तो उसका अगर मैं फ़्लो चार्ट बना दूँ तो वो हमने काम जो किया था वो ये था कि पहला तो मैंने आपको बताया ये स्टार्ट आएगा बेटे, दूसरा हमने ये किया कि सम को भी ज़ीरो रख दें यहाँ पे, एन को भी ज़ीरो रख दें एक में ही, तीसरा फिर हमने इसमें जो काम किया था बेटे वो ये था कि यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग, फिर n इज इक्वल टू n प्लस वन, और फिर उसके बाद हमने जो काम इसमें अगला किया था सम में इंक्रीमेंट कर दी थी इसकी, सम इज इक्वल टू सम प्लस n, और ये चूंकि डू वाइल चलाया था तो डू वाइल यहाँ पर एंड पे हमारे पास चलेगा, डिसीजन बॉक्स इज n लेस देन इक्वल टू 50, तो यहाँ पे हम कह लेते हैं यस और यहाँ पे कह लेते हैं नो, यस यहाँ पे चला जाए, ठीक है। नो पे हम इसको देखते हैं जी, आगे हमने क्या किया था, नो पे इसको गालबन एग्जिट कर दिया हमने सम प्रिंट करवा के, नहीं उल्टा हो गया सॉरी, क्या एन 50 से छोटा है या उसके बराबर है, अगर तो नहीं है तो वो ऊपर जाए और अगर छोटा है तो क्या करे, पैरेललोग्राम ये यूं कह लें, चले पेज वन मैं यहाँ पे वो ले लेता हूँ, पेज टू कनेक्टर आ गया और फिर कनेक्टर पेज टू प्रिंट सम, कि इस सम को प्रिंट कर दो, जो भी टोटल आया है वो प्रिंट कर दो, और फिर इसके बाद हम गए तो ये हमने ले लिया एंड, या यूं कहते हैं स्टॉप। ले बेटे ये वो एग्ज़ाम्पल, मैंने एग्ज़ाम्पल लिखी नहीं है, वो हमने पिछले लेक्चर में ही कर ली थी जिसमें हमने किया था कि पहले 50 नेचुरल नंबर जो है उनका हमने सम निकालना था, उसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना दिया, दोबारा से समझा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कहा था ये स्टार्ट स्टॉप पे आएंगे, ये आ गए, फिर हमने जब दो वेरिएबल लेने हैं तो ये हमारी प्रोसेसिंग हो जाएगी, इसलिए इसकी रेक्टेंगल ले ली, ठीक है। फिर हमने आगे उसमें कैलकुलेशन करवाई, एन में एक इंक्रीमेंट करवाई, ये भी इसी में होगी, ये हम इकट्ठा, ये भी इकट्ठा कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि अलग अलग लिखें, ये भी इकट्ठा कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए, चूँकि दो डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो मैंने दोबारा फिर उसको अगली रेक्टेंगल लेके उसमें लिख दिया कि सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, और यहाँ पर हमने वो आपको याद होगा हमने कहा था डू वाइल उस वक्त तक काम करो जब तक एन की वैल्यू 50 से छोटी या उसके बराबर ना हो जाए। यहाँ पे हमने चेक किया क्या 50 एन की वैल्यू 50 से छोटी या उसके बराबर है, अगर तो है 50 से छोटी है, ठीक है, तो वो क्या करे, वो अगले पेज पे जाए, पेज नंबर टू कनेक्टर आ गया, अगले पेज पे जाए और प्रिंट कर दे सम, मतलब काम ख़त्म हो गया, और अगर नहीं छोटी तो वापस जाए एन में एक और इंक्रीमेंट करे, फिर वापस उसमें आए और सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, फिर जाके फिर चेक करे, और ये काम उस वक्त तक होता रहेगा जब तक एन की वैल्यू इसके बराबर नहीं आ जाती 50 के, ठीक है। जब 50 के बराबर आ जाएगी तो ये प्रिंट कर देगा सम को और उसके बाद आपका फ्लो चार्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये था बेटे हमारा फ्लो चार्ट का लेक्चर, यहाँ पे बेटे आपका पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। होपफुली आपने सारी चीज़ें जो हैं इसके ऑब्जर्व कर ली होंगी। वीडियो लेक्चर्स हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, दोबारा दोबारा देख सकते हैं,
चैनल पे ये सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह पढ़े होंगे। आज का मेरा आखिरी लेक्चर ये वाला फ्लो चार्ट वाला जैसे ही अपलोड होगा लेक्चर नंबर 8, तो आपका पूरा चैप्टर आपके पास आपके चैनल पे मौजूद होगा, इसको आप बार बार देखें। जहाँ पे समझ ना आए आप जब चाहें मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, ग्रुप में मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अपना, अपने बहन भाइयों का और ख़ास तौर पर अपने वालदैन का बेटे बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।